नाज़रीन, दरियल कश्मीर न्यूज़ के उर्दू बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शाफिया रियाज। पेश है दिन भर की अहम खबरें। जहां जम्मू कश्मीर में कोविड वबाही बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वही सरकार की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 21 जनवरी से 23 जनवरी सुबह 6 बजे तक शहरी श्रीनगर समेत दीगर अजला और कस्बों में लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस सिलसिले में जगह जगह पर पुलिस और फौज तैनात की गई है, जो हालात पर नजर रखे हुए है। इस मौके पर श्रीनगर के लाल चौक इलाके में पुलिस ऐलान कर रही है कि आज से शहरी श्रीनगर में बंदिशें आयद की जाएंगी। शहर श्रीनगर में लॉकडाउन का हुक्मनामा जारी हुआ है, लिहाजा आप लोगों से मुल्जाना अपील की जाती है कि लॉकडाउन का पालन करें। आपके ताउन में आपकी हिफाजत है। आपके ताउन से जानलेवा बीमारी 26 जनवरी में जमहूरिया की तकरीब को कामयाबी के साथ अंजाम देने के लिए जहां शहरी श्रीनगर में सिक्योरिटी का खास बंदोबस्त किया गया है, वही पुलिस और फौज मुश्तरका तौर श्रीनगर के मरकजी लाल चौक इलाके में आम लोगों की तलाशी लेते हुए नजर आ रही है। जमहूरिया के सिलसिले में जहां जम्मू कश्मीर समेत दीगर अजला और कस्बों में तकरीबों का एहतमाम किया जा रहा है, वहीं शहर श्रीनगर और दीगर अजला और कस्बों में सिक्योरिटी तैनात की गई है, जो 26 जनवरी को होने वाले तकरीब के सिलसिले में किसी भी हंगामी वाक्य को रोक सके। इस सिलसिले में जनूबी कश्मीर से हमारे नुमाइंदे अशरफ नेंगरू तफसील दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आपका एक बार फिर खुश आमदीद है। मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ नेहरू, आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं दरियल कश्मीर न्यूज़ और आज हम मौजूद है अनंतनाग में, और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा पहले वो आपको दिखाएगा किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात है और यहाँ पर सबसे पहले पर सुरक्षा पर तैनात है, क्योंकि अब से बस 5 दिन रह गए हैं जब यहाँ पर 26 जनवरी की तकरीब मनाई जाएगी, यानी कि गणतंत्र दिवस यहाँ पर मनाया जाएगा वादी कश्मीर में। तो मौसम भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, इन वीडियोज में किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार यहाँ पर तैनात है और ड्रोनों से भी नजर रखी जा रही है। आने वाले जो रास्ते हैं उन पर नजर रखी जा रही है सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से। और बात अगर करेंगे शहर श्रीनगर की, जहाँ जो सबकी नज़रें रहती है वहाँ पर भी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आने वाले जो वहाँ पर रास्ते हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि कल भी यहाँ पर अटैक हुआ था केपी रोड में। लेकिन बात करें 26 जनवरी के बारे में, यहाँ पर हम देख सकते हैं कल में किस तरह से यहाँ पर एहलकार यहाँ पर गश्त करते हुए दिख रहे हैं। एसटीआरएफ यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर तैनात है अनंतनाग में, अनंतनाग टाउन में। तो इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि एक गाँव की खबर से सिक्योरिटी जोन में आता है, यहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार तैनात रहते हैं और यहाँ पर जो सिक्योरिटी जा रही है उनकी तलाशी ली जा रही है। यहाँ पर पास ही रह गए हैं, यहाँ पर 26 जनवरी की तकलीफ होगी। बहरहाल इस वक्त इतना ही दीजिए इजाज़त अपने कैमरा पर्सन के साथ अनंतनाग से। शहरी खास आली कदर इलाके में गुज़िश्ता रोज आग की एक वारदात में कई ढांचे खाकस्तर हो गए। इस सिलसिले में आज जिला श्रीनगर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सईद हनीफ बल्की ने मुतासिरा अयाल का दौरा किया और मौके पर ही उन्हें फौरी इमदाद फराहम करने का यकीन दिलाया। थोड़ा मोटा इमदाद होता है हमारे एसडीएफ से, जो डी साहब की तरफ से 4 लाख रुपए आपने जो डेथ हुई है उनको दे दिया, और जो 5-5 हज़ार का नॉर्मल रेड क्रॉस का जो फिर उनको रिलीफ का 1,05,000 का मिलना होता है, फुली डैमेज सीवियर डैमेज वो सब चीज़ें हमने तो कर ली हैं। जो बाकी चीज़ें लवाजमा छोटी छोटी मदद होती है, मुझे यही फिर कहना है कि जब एक घर जल जाता है तो लाखों करोड़ों का, कश्मीर में तो आपको पता है दुनिया भर की चीज़ें होती है, उससे बढ़कर अफसोस ये होता है कि बच्चों की किताबें आजकल सर्टिफिकेट सब जल जाती है। 100 चीज़ें होती हैं हर घर में, उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती है, इमदाद थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन खुदा सबको बचाए। कि मुझे यही अपील आपसे करूंगा सब लोगों को, गांव शहर, गांव में भी ऐसा होता है कि शाम को ये विंटर के आयाम में कम से कम ख्याल रखें कि शाम को जब सोए बच्चे बूढ़े सब नज़र रखें कि जो जो चीज़ इस्तेमाल करता है, नींद तो मौत है, नींद आ गई तो वो चलता रहता है तो दूसरे दिन मुसीबत सामने आ जाती है।
अगरचे जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस तबाह कुन बीमारी की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, वही सूबे जम्मू में आज सारे बाजार खुले हैं। तहम गैर जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई है। आया है उसके बाद, क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं, मैंने क्योंकि हमेशा चिंता की है कि हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं उनको कम से कम रिलीफ मिलना चाहिए, और ऐसे समय में जबकि इस समय शादियों का सीज़न भी है और अदरवाइज़ भी आप ये कहें, क्योंकि काफ़ी देर से लगातार लॉकडाउन लगातार बंद चल रहे हैं, तो आज जिस तरह का एक ऑर्डर निकला और 2 बजे के बाद जिसमें कहा गया कि नॉन असेंशल्स जो हैं उसको डिसअलो किया गया, तो मैंने अपनी तरफ से DC साहब से बात की और SSP साहब से भी बात की, और मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि आज का दिन जो है हमारा बिज़नेस जो है वो चलता रहेगा, कोई बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो बंद नहीं करेगी। आज का दिन आज शाम 9 बजे तक खुला रहेगा, लेकिन कल और परसों 2 दिन जो है हम भी अपनी तरफ से अपील करेंगे लोगों को कि वो बंद रखें। और उसका कारण ये है क्योंकि जिस तरह से वायरस जो है बड़ा है, और मैं स्पेशली ये कहूँगा बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होंगे यहाँ पर जो कम हुए होंगे केसेस, लेकिन जम्मू में ये केसेस बढ़े हैं, और उसी बात को लेकर के क्योंकि तीन दिन जो है कम से कम हम बिज़नेस कम्युनिटी के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि इसको बंद रखा जाए, और मेरी रिक्वेस्ट को DC साहब ने भी माना है, SSP साहब ने भी माना है, और आज हमने सभी अपने जितने भी व्यापारी हैं जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनको कन्वे किया है कि आज जो है वो आप बंद आप खुला रखें, और कल और परसों जो है 2 दिन जो है अपने शॉप्स जो हैं एस्टेब्लिशमेंट जो हैं उनको बंद रखें। ऐसा एक क्रूशल टाइम है जिसमें इस समय हमारा एग्ज़ाम है, ये बात सोच करके चलिए कि आज का पीरियड जो है, क्योंकि शादियां चल रही हैं और उसमें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, मैंने DC साहब से और इस बारे में भी चर्चा की है, हम लोग जो हैं अभी बैंक्वेट हॉल वाले मेरे पास आए हुए हैं, जो मेरी उनके साथ बातचीत हुई है, कुछ ऐसा एक सिस्टम हम लोग जो हैं बनाएंगे ताकि शादियां भी जो हैं वो आराम से हो सकें, और जो गवर्नमेंट जो है जिस तरह का ऑर्डर उनका है उसमें भी कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम लोग जो हैं इन जो इस समय शादियों का सीज़न चल रहा है। ज़िला गांधरबल के मुख्तलिफ अस्पतालों में कोविड मुखालिफ RT-PCR टेस्ट जांच मुहिम शुरू की गई है, वही आम लोग ज़िला इंतजामिया और तिब्बी अमले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मेडिकल अमले का कहना है कि खास तौर वैक्सीन अमल बीमारों और हामिला खवातीन के लिए शुरू किया गया है। इस मौके पर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि वो गुज़श्ता 6 माह से RT-PCR जाँच करने के लिए कोशिशें कर रहे थे। कहते हुए हमें खुशी हो रही है कि आज से हम अपना RT-PCR लैब स्टार्ट कर रहे हैं। RT-PCR लैब पिछले 5-6 महीने से हम इसके स्टार्ट करने में लगे हुए थे, जुटे हुए थे, इक्विपमेंट जमा करने में, बाकी चीज़ें और मैन पावर जमा करने में, तो शुक्र अल्लाह का आज से हमने ये लैब स्टार्ट की है। तो इससे फ़ायदा ये होगा ये कि जो हमारे पेशेंट्स को 3-3, 4-4 दिन वेट करना पड़ता था सैंपल आने में, रिजल्ट आने में, वो टाइम कम हो जाएगा। हो सकता है 1 या 2 दिन में हम सैंपल की रिपोर्ट्स दें। हमारे इससे बहुत सारे नुकसान होते थे, जो डिले होता था हमारा सैंपल का रिपोर्ट आना, जैसे अभी हमारा थिएटर में जिनका सर्जरी होने वाली होती थी उनका रिपोर्ट नहीं आता था तो उससे वो डेफर हो जाते थे। तो उस चीज़ में भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो सर्जिकल पेशेंट्स हैं उनका ऑन प्रायोरिटी लगाएं ताकि हमारा लिस्ट भी चलता रहे। जिला पुंछ में भी कोविड मोहलिक बीमारी तेजी से फैल रही है, वहीं इसे लड़ने के लिए पुंछ तिब्बी अमले ने वैक्सीन मुहिम शुरू की है। इस सिलसिले में जिला नोडल अफसर डॉक्टर अमजद ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि उन्होंने वैक्सीनेशन की एक टीम पुलिस लाइन रवाना की है, जहाँ पुलिस अहलकारों को वैक्सीन का डोज दिया जाएगा।
इस मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को भी मुहिम के तहत वैक्सीन का टीका लगाया गया। मैं इंस्पेक्टर रंजीत सिंह राव यहाँ डीपीएल पहुंच में पोस्टेड हूँ। तो आज मैंने यहाँ पे अपने जो बूस्टर डोज है वो लगवाई है। तो यहाँ हमारे तमाम मुलाजमीन को जो है बूस्टर डोज लग रही है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ्रंट लाइन के वर्कर्स जितने भी हैं उनको, ये पुलिस डिपार्टमेंट को जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट हमारे यूनिट्स में आ के बूस्टर डोज दे रहे हैं, हम इनका शुक्रगुजार हैं। थैंक यू। जी, मेरा नाम अफसाना गुजर है। अफसाना गुजर जी, बताइए कि आप फ्रंट लाइन वर्कर हो, पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आज आपको बूस्टर डोज लगी, आप क्या कहोगे? सर, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि हमें बाहर फील्ड में भी जाना पड़ता है, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा है बूस्टर डोज। जी सर। तो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप हर वक्त आगे होते हो पुलिस के लोग, तो आपके लिए ये डोज ज़रूरी है? जी सर, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, सबको लगवाना चाहिए। सर, डॉक्टर अमजद, नोडल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ वैक्सीनेशन। सर, आज भी हमने अपनी एक टीम भेजी हुई है पुलिस लाइन में, जो हम बूस्टर। जनूबी कश्मीर जिला शुपयान के किलर इलाके में आज पानी की एक टैंकी से एक रीट बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक मकामी लोगों ने खाली पानी की टैंकी से आवाज सुनी, जिसका उन्होंने पुलिस को फौरी इत्तला दी, जबकि इस दौरान महकमे वाइल्ड लाइफ को भी रुजू किया गया। इतला पर फौरी कार्रवाई करते हुए महकमे वाइल्ड लाइफ ने पानी की खाली टैंकी में से एक रीच को फंसा हुआ पाया। तहां फिर पुलिस की मदद से रीच को बाहर निकाला गया। आखिर में लोगों ने महकमे और पुलिस का शुक्रिया अदा किया। हो रहा था पिछले कई सालों से, टैंकी ऐसी पड़ी कि टैंकी में घुस गया था, ऊपर नहीं आ रहा। हमने टैंकी के अंदर उसको ट्रैकलाइज किया, पुलिस से भी इन्फॉर्मेशन आई, लोकल से भी इन्फॉर्मेशन की फलानी टैंकी में फलानी जगह वहाँ पे एक बालू है जो टंकी नीचे है, हमने उसको वहीं पर ट्रैकलाइज किया, अपने तहवील में ले लिया। हम भी खुश लोग, कितने लोकल से खतरा होता था, जो लोग खतरा तो है इसका, क्योंकि शाम को ये तंग कर लेंगे, लोगों का खतरा था। अब लोगों का भी अच्छा हुआ, लोग भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। कोविड प्रोटोकॉल फॉलो, वो प्रोटोकॉल ही नहीं कर रहे लोग। आप देखिए, मास्क तो किसी को नहीं, हाँ किसी को नहीं। सबसे हम ये कहेंगे कि आपके माध्यम से हमारी मौत वाला गुजारी कि लोगों को सबसे पहले कोविड का देखना है, SOPs फॉलो कर, उसके बाद बाकी सब कुछ। मिशन स्टेटहुड के सदर सुनील जिम्पल ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक खत भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया कि सूबे जम्मू के रूपनगर इलाके में गुजर और बकरवाल कम्युनिटी के अयालों की बहाली के लिए यौम जम्हूरिया के मौके पर उनकी बाज़याबादकारी का ऐलान किया जाए। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा, आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपसे एक पैगाम भेज रहे हैं कि जो आपने हमारे गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों को रूपनगर में बेघर किया है, जिनके आशियाने आपने लूटे हैं, उन लोगों को आप जल्द से जल्द बसाने का प्रयास करें, क्योंकि इसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में हालात खराब हो रहे हैं। चिनाब वैली, पीर पंजाल, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, कश्मीर, हर तरफ से उनके समर्थन में आवाज़ उठ रही है। और हमारा ये आपको पैगाम है कि आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे से पहले पहले एक फैसला लें, या तो उनको अपने राजभवन में बुलाएं, या फिर आप उस मौके के ऊपर जाएं जहां पे JDA ने, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उन लोगों को बेघर किया है, उनके आशियाने लूटे हैं, वो ठंड में, बारिश में छोटे छोटे बच्चों को, दो दो महीने के बच्चों को अपनी गोद में लेकर के वहां खुले में बैठे हुए हैं। क्या सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपकी सरकार क्या इतनी पत्थर दिल हो गई है कि आपको आवाम की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है?
इसीलिए हम सारे आज ये हाथ खड़े करके ये पैगाम आपको भेज रहे हैं कि आप 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस की परेड की सलामी लें तो आप यहाँ पे ऐलान करें कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के ने जो कहर उन परिवारों के ऊपर ढाया है उनको फिर से बसाया जाएगा, उनकी जमीनें उन्हें वापस की जाएंगी और जम्मू कश्मीर की जमीनें जो है बिना स्टेट सब्जेक्ट बिना डोमिसाइल बिना लीज के किसी भी बाहर के लोगों को नहीं दी जाएगी। ये एक इंसानियत का मसला है, आप उन परिवारों के ऊपर रहम कीजिए, हम सारे रहम कर रहे हैं, रहम कीजिए, उनके बच्चे परेशान हैं, गुज्जर बकरवाल समुदाय के बीच में अफसोस की बात है कि ये गरीब लोगों को आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं और गलत लोगों में संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसे एक कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रही है और लोगों को बांटने का। शहर श्रीनगर के लाल बाजार इलाके से वाबस्ता नजीर नासिर एक बेहतरीन आर्ट जानने वाले हैं। हालांकि वो अभी श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर में IG कोर्स कर रहे हैं, जबकि ये सिलाई कुरैशी और दीगर कई काम जानते हैं। इसके अलावा वो पेपर कटिंग भी जानते हैं। दौरान वक्त नजीर नासिर भारत में वाहिद मैक्रॉन आर्टिस्ट माने जाते हैं। I'm a student of English literature and apart from that, I am a self-taught fiber artist. So back in 2016, when Kashmir was yet under a strict lockdown, I came across this beautiful craft called as crocheting. So since then, I've started my online craft page called Naughty Crafts. And from 2018, I've been learning new crafts across the way. I've learned how to macrame, how to do knitting. And recently this year, I've learned the art of paper quilling and paper cutting, and I'm always learning. Me being the only male macrame artist in India right now, I have to face a lot of social stigmas and stereotypes. So I don't know why there is such a problem that a craft is associated with a gender, but I think that every craft is gender neutral and everybody is, you know, free to practice any craft that they like if they are enough passionate about it. Right now I'm running a successful craft business on Instagram and Facebook by the name Naughty Crafts, and I'm getting a lot of orders, and I've also expanded my team, and I've included 6 more people, and I'm providing work for them. And my next target would be teaching macrame and holding workshops and getting this craft to as many people as possible, and also making it widely available to people all throughout India. जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में अभी बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है, जबकि कई जगहों पर 18 घंटों तक मजीद बारिश या दरमियानी दर्जे की बर्फ पड़ने का इम्कान है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने पेशनगोई देते हुए कहा कि कल सुबह जम्मू में दरमियानी दर्जे की बारिश पड़ने का इम्कान है। अब आखिर में एक नज़र आज के मौसम पर। महकमे मौसमियात के एक इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। वही श्रीनगर में आज इनका ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वही जम्मू में आज इनका ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब 7:35 पर होगा और गुरूब आफ्ताब शाम 5:50 पर होगा। नाज़रीन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।